नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हूँ कन्या राशि का मासिक राशिफल मार्च सन 2020 को लेकर के। क्या विशेष रहेगा कन्या राशि के जातकों का इस मार्च के माह में? क्या कहती है ग्रह गोचर व्यवस्था? किस प्रकार आपकी आय रहेगी? स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा? और कार्य क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि मार्च की सर्वोत्तम लाभप्रद तिथियां कौन सी रहेंगी कन्या राशि के जातकों के लिए, और कौन सी तिथियों में आपको सतर्क व सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं यह राशि फल प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं आपको यह बता दूं कि यह राशि फल चंद्र कुंडली पर आधारित है, अर्थात इसको लग्न कुंडली से न जोड़ें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 6 अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है तो निश्चित रूप से आपकी कन्या राशि बनेगी और यह राशि फल आपके लिए है। तो आइए प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम एक दृष्टि डालेंगे कन्या राशि के जातकों की ग्रह गोचर व्यवस्था पर। जहाँ मार्च का शुभारंभ वसंतोत्सव, होलिका पर्व और वैदिक सनातन धर्म के साथ होगा, वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए क्या विशेष रहेगा? तो एक ग्रह गोचर व्यवस्था पर एक दृष्टि डालते हैं। तो कन्या राशि का स्वामी बुध और सूर्य, जो कि बुध आदित्य योग का निर्माण करके 6ठे स्थान पर कुंभ राशिगत स्थित हैं, वहीं शनि मकर राशि में 5वें स्थान पर स्थित रहने वाले हैं। गुरु, मंगल और केतु धनुराशिगत 4वें स्थान में रहने वाले हैं। तो राहु आपके लिए 10वें स्थान कार्य क्षेत्र अर्थात मिथुन राशि के रहेंगे। शुक्र मेष राशि के 8वें स्थान में स्थित रहने वाले हैं और चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि 14 मार्च को सूर्यदेव अपने राशि परिवर्तन करने वाले हैं और सूर्यदेव जो कि अभी तक आपके लिए कुंभ राशिगत थे वह मीन राशि में 7वें स्थान पर चले जाएंगे। वहीं 22 मार्च को मंगल अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल जो कि अभी तक धनु राशिगत थे वह अपनी उच्च राशि अर्थात मकर राशि शनि के साथ युति बनाएंगे। वहीं 28 मार्च को शुक्रदेव अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और शुक्र जो कि मेष राशिगत 8वें स्थान में थे वह अब वृषभ राशिगत भाग्य स्थान में चले जाएंगे। तो यह तो आपकी ग्रह गोचर व्यवस्था रहेगी पूरे मार्च के माह में। अब इस ग्रह गोचर व्यवस्था के भी सर्वप्रथम एक दृष्टि डालते हैं कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर। तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए जब तक शुक्र की स्थिति 8वें स्थान में रहेगी, वहीं सूर्य और बुध भी 6ठे स्थान पर रहने वाले हैं आपके राशि स्वामी हैं, तब तक आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। अर्थात इस मार्च के माह में स्वास्थ्य संबंधित विशेष आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। स्किन से संबंधित गुप्त रोग, चर्म रोग और पेट से संबंधित पाचन क्रिया इत्यादि, आपको ये सारी तकलीफें हो सकती हैं, तो इनसे आपको निरंतर बचने का प्रयास करना चाहिए। अपने खान पान पर निरंतर आपको आवश्यकता है ध्यान देने की, तो अपने खान पान पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। वहीं मौसम के बदलते मिजाज के साथ साथ आपको अपने जीवन में बदलाव करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, तो अपने स्वास्थ्य पर आपको निरंतर ध्यान रखना चाहिए। 28 मार्च के बाद शुक्र अपने स्वराशि में यहाँ पर जाएंगे, तब आपको थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य संबंधित रिलीफ आपको मिल सकता है। जो जातक लोहे इत्यादि का कार्य करते हैं उनको भी सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। बात करें आपके कार्य क्षेत्र के, तो कार्य क्षेत्र के स्थान पर राहु स्थित हैं और गुरु, मंगल और केतु की पूर्णतः राहु पर दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ कुछ मामलों में आप भाग्यशाली रह सकते हैं। जो जातक शिक्षा और धर्म कर्म इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए यहाँ स्थितियाँ कुछ हद तक ठीक रहेंगी, लेकिन जो जातक ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जो कि फील्ड का ही काम होता है, भागदौड़ का काम होता है, ऐसी स्थिति में आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। वहीं केतु भी यहाँ पर स्थित है, तो अत्यधिक क्रोध करने से आपको निरंतर बचना चाहिए कन्या राशि के जातकों को। वहीं बात करें आपके आय की, तो आय के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और यहाँ पर जो आपके राशि स्वामी हैं वह 6ठे स्थान पर स्थित हैं। क्योंकि चंद्रमा निरंतर चलने वाले ग्रह हैं तो यहाँ आपके राशि स्वामी से ही देखी जाती है। बुध यहाँ 6ठे स्थान में रहेंगे और यहाँ बुध कभी वक्र स्थिति में होंगे तो कभी मार्ग स्थिति में होंगे अर्थात मार्गी होंगे। आय आपकी सम रहेगी, किसी भी प्रकार का ऋण लेने से आपको इस मार्च के माह में बचना चाहिए।
अत्यधिक न तो किसी को ऋण देना चाहिए और न ही किसी प्रकार का ऋण आपको लेना चाहिए। बात चंद्रमा की करें तो मित्रों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। यह 2 से 2.25 दिन के भीतर अपने राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं, 6, 8, 12 भाव से अपना संबंध बनाते हैं, तो फलस्वरूप वही चंद्रमा हमें बहुत नकारात्मक स्थिति से गुजारना पड़ता है। और ऐसी ही तिथियां होती हैं एक माह के भीतर 6 से 8 तिथियां जो आपकी हों या हमारी, जिसमें हमें मानसिक चिंता, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस बना रहता है। और वही तिथियां मैं कन्या राशि के जातकों को बताने वाला हूं, लेकिन उससे पूर्व बताऊंगा शुभ तिथियां। तो तारीख 1, 2, 6, 7, 9, 10, 16, 23, 28 और 29 मार्च कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष लाभदायी व शुभ रहने वाले हैं। तो वही तिथियां 3, 4, 8, 11, 14, 15, 17, 19, 26, 28 और 31 को कन्या राशि के जातकों को विशेष रूप से सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। साथ ही सभी कन्या राशि के जातकों को वसंतोत्सव, होलिका पर्व और प्रमादी नाम नव संवत्सर वैदिक सनातन धर्म का, जो कि 25 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है, तो आप सभी को अग्रिम व हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव संवत्सर में आप नई योजनाएं बनाएं और आप नवीन योजनाओं के साथ नई सफलताएं प्राप्त करें, यही हम आपको शुभकामनाएं।